दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज के पेशेंट बैठे हुए हैं, उनका शुगर बड़ा फ्लक्चुएट करता है। परसों ब्लड शुगर खाली पेट 242 था, आज खाली पेट 90 आ रहा है, तो अक्सर कभी हाई कभी नॉर्मल होता रहता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन पर ये शुगर फ्लक्चुएट क्यों करता है। तो आपने बोला परसों 242 था, तो जैसे बहन जी ने बोला कि परसों आपने कहीं पार्टी में गए थे आप, तो पार्टी में थोड़ा खाना बस एक सब्जी रोटी दो चीज खाया था, कोई ड्रिंक नहीं पिया था, कोई कुछ भी नहीं। हाँ, रात कितने बजे खाना खाए थे आप? 11 बजे। तो वैसे रोज कितना खाते हैं, कितने बजे? मैं 10 बजे सो जाता हूँ। आपने उस दिन लेट खाया था? हाँ, जब देखिए क्या होता है कि जब भी डायबिटीज फ्लक्चुएट करता है, शुगर फ्लक्चुएट करता है इंसुलिन पर, तो डिपेंड करता है कि आपने कितना मात्रा खाया, उसे कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है और फैट कितना है। तो जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट मात्रा ज़्यादा होगी तो शुगर बढ़ जाएगा। तो पहला खाने की मात्रा डिपेंड करता है, इसलिए जब भी आप शुगर चेक करें और जब भी शुगर फ्लक्चुएट करे, ज़्यादा बढ़ के आए या ज़्यादा घट के आए, तो आप नोट करें कल मैंने क्या खाया, दिन में क्या खाया, नोट करना पड़ेगा। सो दे पैटर्न पता चले कि जब भी आपने बोला तली चीज़ खाता शुगर बढ़ जाता है, तो अगली बार जब भी फ्यूचर में तली चीज़ बना हो तो पहले से 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगा लें, पहला बात। दूसरा बात, इंसुलिन लगाने में गलती होती है, कई इंसुलिन मिक्स करनी पड़ती है हमारी, जैसे ह्यूमन मिक्सड, ह्यूमन इंसुलिन 3070, नो मिक्स, ह्यूमलॉग मिक्स, यूग्लेशन मिक्स, इंसुलिन 3070, ये कई इंसुलिन, 2 इंसुलिन मिक्स होती हैं, तो इनको मिक्स करना पड़ता ढंग से। तो जो आपकी अगर इंसुलिन मिक्स करने वाली है तो ढंग से पहले मिक्स करना पड़ेगा आपको, 10 बार ऐसे करके पूरा, फिर 10 बार ऐसे मिक्स करना पड़ेगा। और मिक्सिंग नहीं करोगे तो आप देख लो इंसुलिन क्या होता है कि ऊपर नीचे, हाँ, तो इंसुलिन नीचे पानी जम जाएगा, ऊपर पाउडर इंसुलिन आ जाएगा, तो कभी इंसुलिन ज़्यादा लग, कभी इंसुलिन कम लग गया, उससे फ्लक्चुएट होता है। थर्ड, हाँ, अगर आपने जो इंसुलिन जो लगाया, मान लो सपोज देखो कुछ इंसुलिन होती है जिसमें कि नीचे पाउडर जमा होता है, आपने बिना मिक्स लगा दिया, तो आपने रात कितना लगाते हो? 10 मिनट, 10 की जगह आप 10 लगाया लेकिन मिक्स नहीं किया तो 10 से 20 लग जाएगा, कभी शुगर आएगा, कभी खाली पानी ले 10 से 5 ही लगे शुगर बढ़ के आएगा। तो सेकेंड कारण होता है प्रॉपर मिक्सिंग ना होना। थर्ड कारण होता है इंसुलिन लगाने के बाद कितने देर बाद खाना खाते हैं आप, और आप इंसुलिन लगाने के बाद 10 मिनट गैप दे देंगे तो शुगर कंट्रोल अच्छा आता है ना, और लेट खाना खाएंगे तो शुगर तो बढ़ के आएगी, है ना, रात को नींद कम आएगी, मान लो कुछ स्ट्रेस आउट रहा पे तो शुगर बढ़ के आएगी, अगर आप पिछले दिन खूब ज़्यादा घूम लिए हो तो शुगर घट के आएगी। प्लस क्या होता है कि अगर इंसुलिन इंजेक्शन जो है, ध्यान रखें इंसुलिन इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, हर बार जगह बदलना चाहिए। और आप 4 बजे इंसुलिन आते हैं तो आप 4 जगह फिक्स कर लो, सुबह पेट पर लेफ्ट साइड, दोपहर इधर लग नहीं सकती, तो सब इधर किडनी लगी हुई। अरे यार किडनी पीछे होती भैया, और लगी नहीं यहाँ पर है, जब मैंने दिए ना वो यहाँ दी, यहाँ लगी, यहाँ टाका लगा होता, टाका लगता है, हाँ, किडनी भी अंदर होती, किडनी की नस होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो फर्स्ट फ्लोर निकल गया मेरा, हाँ, अब तो कहीं भी रह सकता हूँ। किडनी देखो क्या होता है, किडनी सिस्टम क्या होता है, इंसुलिन स्किन उठा के ऐसे उठा करके ऐसे लगाना होगा, आज यहाँ लग गया, थोड़ी देर बाद इधर यहाँ लग गया, फिर शाम यहाँ लग गया, इधर लग गया, ऐसी जगह बदल के। वीडियो देखना मेरा, एक वीडियो मेरा इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक, एक जगह पर 7 दिन पर नंबर नहीं आना चाहिए, अगर जगह नहीं बदलोगे, आज यहाँ लगा 2 दिन 7 दिन कभी आस पास लगा दोगे, उसका असर घट जाएगा तो शुगर बढ़ के आएगी, तो ये वजह होता है। तो फिर होता है ऑपरेशन एक ही जगह तो गलती कर रहा हूँ आप, तो गलती करो ना, अगर एक ही जगह लग गया शुगर बढ़ के आएगी, तो हल्का हटके लग गया शुगर ठीक आ जाएगी, तो जगह बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ कारण, समय के साथ जैसे शुगर पुराना होता रहता है तो हमारे आंतों के मूवमेंट, जो हमारा स्टमक होता है उसके मूवमेंट वेरी करता रहता है, कभी आपने खाना खाया वो आराम से खाना बाहर पास आउट हो गया, स्लो ग्लूकोज रिलीज होता, शुगर ठीक रहा, कभी खाना खाया
गैस्ट्रिक मूवमेंट बहुत तेज हुआ और पूरा खाना धर से आगे धकेल दिया उसने, शुगर बढ़ गया, कभी खाना खाया अपने खाना वही रखा रह गया, आगे नहीं बढ़ा तो शुगर लो आ गया। तो अगर स्टमक का मूवमेंट वेरी करेगा शुगर का सर नसों आने आँत के नसों आने से उसे शुगर फ्लक्चुएट होता है। फिर कुछ बीमारियाँ होती हैं और किसी थायराइड हार्मोन की कमी आ जाए, हाइपोथायराइड, तो हाइपोथायराइड बॉडी का मेटाबॉलिज्म घट जाता है और इंसुलिन का असर बढ़ जाता है तो शुगर लो आने लगता है। चलिए थायराइड हार्मोन ज़्यादा काम करने लगे, हाइपरथायराइड या थायराइड गोली ज़्यादा डोज लोगे तो इंसुलिन का असर घट जाता है, शुगर बढ़ने लगता है। इस तरह हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से इंसुलिन का असर घट जाता है, शुगर बढ़ने लगता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन कम होने से शुगर इंसुलिन का असर बढ़ जाता है और शुगर लो आने लगता है। इस तरह की और बीमारी होती है मेल एब्जॉर्प्शन, एक बीमारी होती है सीलिएक डिसीज, उसे ब्लड में TTG और IgA पॉजिटिव होता है। तो अगर सीलिएक डिसीज हो जाए या इनडाइजेस्ट कोई और बीमारी हो जाए तो खाना खाओगे जरूर लेकिन खाना पचेगा नहीं तो शुगर कमाने लगेगा और फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो कई कारण है शुगर फ्लक्चुएट करने के लिए, डाइट, एक्सरसाइज, मूड, स्लीप, इंसुलिन टेक्निक, मिक्सिंग टेक्निक, आंतों पर असर, अदर बीमारियाँ, मेल, कई कारण होते हैं। तो आप में जो हमने देखा कि एक तो जगह इंसुलिन बदलोगे आप ढंग से, इसके बाद आप प्रॉपर डाइट मॉनिटर करोगे, है ना, कि नॉर्मली क्या होता है, हर डाइट में वो टेक्निक सही करोगे आप। डाइट में कार्बोहाइड्रेट मात्रा फिक्स चाहिए, अगर आप खाली फैटी फूड खाओगे, प्रोटीन फूड खाओगे और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो शुगर लो आएगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओ तो शुगर हाई आएगा। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिलेगा आपको कि किन किन कंडीशन में शुगर फ्लक्चुएट करता है। अगर सब कुछ होपफुली आप ये मिस्टेक सही करें शुगर आपको फ्लक्चुएट नहीं करेगा, फिर भी फ्लक्चुएट तो हम कुछ आपको टेस्ट कराएंगे कि जानने के लिए कोई और बीमारी तो नहीं है। पर 90% लोग जस्ट प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल एंड इंसुलिन टेक्निक सही करने से ठीक हो जाते हैं।